स्वागत है आपका POV हॉरर ऑफिशियल चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रहस्यमय, अविश्वसनीय, लोमहर्षक सत्य कहानी, जिसमें हम सुनेंगे कि कैसे साधक डाकिनी को सिद्ध करके उनकी रहस्यमय दुनिया में भ्रमण करते हैं, और डाकिनी को सिद्ध करने के लिए वो क्या क्या करते हैं और उनसे क्या क्या काम करवाते हैं, जानेंगे इस कहानी में। कहानी बहुत ही रहस्यमय और रोमांचक करने वाली है। इस कहानी के लेखक है पंडित श्री अरुण कुमार शर्मा जी। अगर आप सुनते हैं तंत्र मंत्र और रहस्यमय डरावनी कहानियां, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं हमारी कहानियों से। आप अपने ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए, चलते हैं आज की कहानी की ओर। आपने भूत प्रेत और तंत्र मंत्र से संबंधित कई कहानियां पढ़ी होंगी, मगर जो मैं इस समय सुनाने जा रहा हूं उन सबसे अलग है। काशी के अधिकांश मोहल्ले किसी समय बंगाली शाक्त साधकों के गुप्त केंद्र थे। बंगाली टोला तो शाक्त कापालिकों का प्रसिद्ध स्थान माना ही जाता था। वे शाक्त कापालिक अपनी इष्ट देवी को प्रसन्न कर अलौकिक तांत्रिक सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए दीपावली की रात में गुप्त रूप से बलि भी दिया करते थे। इसे पूर्व जन्म का संस्कार ही समझना होगा कि मैं इस प्रकार गुप्त रूप से निवास करने वाले तंत्र साधकों की खोज में शुरू से ही उन मोहल्लों की संकरी, गंदी और धूल से भरी गलियों का बराबर चक्कर लगाया करता था। मैं उन साधकों से मिलकर उनकी गुप्त तांत्रिक क्रियाओं से भली भांति परिचित होना चाहता था, साथ ही उनकी मतिगति को भी समझना चाहता था। तंत्र बड़ी ऊंची विद्या है, इसकी साधना भी बड़ी कठिन, गंभीर और सबके वश की नहीं है। सबको इसमें सफलता भी नहीं मिलती। तंत्र का अपना विज्ञान भी है, जो उसके विज्ञान को भली भांति समझते हैं वही तांत्रिक साधना कर सकते हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो सभी साधनाएं शक्ति की साधना है, मगर साधक और शक्ति के बीच देवता माध्यम होते हैं, वे शक्ति के वाहक का काम करते हैं। पर तांत्रिक साधना में किसी भी देवता की मध्यस्थता की जरूरत नहीं पड़ती। तांत्रिक साधना एकमात्र शक्ति साधना है, शक्ति से सीधा संबंध है तंत्र का, इसीलिए तांत्रिक साधना काफी खतरनाक समझी जाती है। जरा सी भूल या लापरवाही प्राण घातक सिद्ध होती है, हर क्षण प्राण संकट में रहता है। सच तो यह है कि तांत्रिक साधना तलवार की तीखी धार पर रखी शहद की बूंद के समान है। चाहो तो उसे चाटो, मगर साथ ही जीभ भी चिढ़ जाएगी। शहद का स्वाद ले लिया जाए और जीभ भी न चिरे, यह कौशल होना चाहिए, और यह कौशल एकमात्र सद्गुरु ही बतला सकता है। तंत्र के अंतर्गत 64 विद्याएं हैं, जिनमें एक है हाकिनी विद्या। यह घोर तामसिक और अत्यंत भयंकर विद्या है। इस विद्या की साधना करने से बड़े बड़े तांत्रिक भी घबराते हैं। यह है भी ऐसी ही प्राणघातिनी साधना। जरा सी भी गलती हुई कि प्राण संकट में, पग पग पर मौत का भय बना रहता है। सन 1950 में जब मैं तंत्र विद्या पर व्यक्तिगत रूप से शोध और खोज कार्य कर रहा था, उस समय मुझे इसी हाकिनी विद्या से संबंधित एक दुर्लभ पांडुलिपि मिली थी। उन दिनों मेरे एक तांत्रिक मित्र थे, नाम था रामचंद्रा। वह तैलंगी ब्राह्मण थे। जब मैंने उनसे इस विद्या की चर्चा की तो उन्होंने बतलाया कि हमारी धरती के प्राणियों का सबसे निकट संबंध जिस लोक से है वह है तामसिक लोक। पृथ्वी जिस आकाश गंगा की परिधि में है उसी में इस लोक का विस्तार है। तामसिक लोक चार भागों में विभक्त है। पहला भाग ब्रह्म राक्षसों और ब्रह्म पिशाचों का है। दूसरा भाग पिशाचों और बेतालों का है। तीसरे भाग में लंबी आयु वाली प्रेतात्माएं रहती हैं, और चौथे भाग में हाकिनी, डाकिनी, शाकिनी आदि तामसिक शक्तियां निवास करती हैं। ये अति भयंकर शक्तियां हैं। प्राकृतिक नियमों में विकृति पैदा कर ये धरती पर भारी उत्पात करती है। भयंकर दुर्घटनाओं, समुद्री तूफानों, प्रलयकारी झंझावातों का मुख्य कारण यही होती है। युद्ध और महामारी इनके प्रिय विषय है। वे हमेशा खून की प्यासी रहती हैं। जहां कहीं सामूहिक रक्तपात होता है वहीं वे अपने समाज के साथ पहुंच जाती है। इतनी ही नहीं, वे किसी भी प्राणी का रूप धारण कर संसार में विचरण कर सकती हैं और किसी भी मृत स्त्री के शरीर में प्रवेश कर उसकी आयु भोग सकती है, मगर कोई उन्हें न पहचान सकता है और न तो समझ ही सकता है।
इसी प्रसंग में रामचंद्रा ने मुझे बताया कि बंगाली टोला में एक अधेड़ उम्र की बंगालिन रहती है, जो मोहल्ले भर में मोनाबाई के नाम से प्रसिद्ध है। दिन में वह बगल में फटी पुरानी कथरी दबाए हाथ में टीन का डब्बा लिए पागलों की तरह घूमती है और भीख मांगकर खाती है। लोग उसे एक पागल भिखारिन के सिवाय और कुछ नहीं समझते। मगर शर्मा जी, जानते हैं आप, रामचंद्रा जरा गंभीर स्वर में बोले, उस भिखारिन की देह औरत की है, यह सच है, पर उसके भीतर मोना नहीं बल्कि एक डाकिनी निवास करती है। एक आपकी बात समझा नहीं मैं, क्या कहना चाहते हैं आप? आज से 40 साल पहले इसी बंगाली टोला मोहल्ले में एक तांत्रिक रहा करते थे, नाम था कालिकानंद अवधूत। वह उच्च कोटि के साधक थे। उनके यहां एक लड़की थी, नाम था मोना। बड़ी सुंदर और आकर्षक थी वह। अवधूत महाशय उसे कलकत्ता के किसी अनाथालय से लाए थे। मोना उस समय 12 साल की थी। उन्होंने विधिवत उसे तंत्र पीठिका की दीक्षा दी। दीक्षा प्राप्त करते ही 12 वर्षीय मोना के चेहरे पर एक दिव्य आभा उतर आई। रोम रोम अनिर्वचनीय शक्ति से भर उठा। फिर वह सहज नहीं रही। उसके बाद अवधूत शाक्त मार्ग से डाकिनी विद्या की साधना करने लगे और माध्यम बनी मोना। मगर अवधूत महाशय साधना में असफल रहे। न उनकी साधना सफल हुई और न सिद्धि मिली। साधना के अंतिम चरण में जिस क्षण मोना के शरीर में मंत्र से आकर्षित और तांत्रिक क्रियाओं के वशीभूत डाकिनी ने प्रवेश किया, उसी क्षण मोना की मृत्यु हो गई। शायद डाकिनी की अदम्य शक्ति को मोना की आत्मा सहन न कर सकी। तभी से मोना के शरीर में वह डाकिनी निवास कर रही है। इस रहस्य को केवल कालिकानंद अवधूत ही जानते थे, बाद में उन्होंने मुझे बताया। इतना कहकर रामचंद्रा चुप हो गए। उनके चेहरे के भाव से ऐसा लगा कि वे इस संबंध में मुझको और कुछ नहीं बताना चाहते हैं। सहसा विश्वास नहीं हुआ रामचंद्रा की बातों पर। मेरी अपनी दृष्टि है, अपना विचार है, अपना सिद्धांत है, मगर एक रात मैंने जो कुछ देखा उसने मुझे एक बारगी स्तब्ध कर दिया। फिर तो विश्वास करना ही पड़ा मुझे। मोना अहिल्याबाई घाट के ऊपर एक छोटी सी कोठरी में रहती थी। कार्तिक का महीना था, हल्की गुलाबी ठंड पड़ने लगी थी। सारा वातावरण अंधकार में डूबा हुआ था। जब मैं उस संकरी गली में घुसकर मोना की कोठरी के सामने पहुंचा तो देखा दरवाजा बंद था, मगर भीतर रोशनी थी। जब मैंने दरवाजे की फांट से झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। सारा शरीर कांपने लगा। उस ठंड में भी मैं पसीने से भींग उठा। मोना का शरीर दरी पर निश्चेष्ट पड़ा था और उसके निकट एक षोड़शी युवती खड़ी थी। हे भगवान, एक नारी में इतना सौंदर्य, उतना लावण्य और इतना आकर्षण कल्पना भी नहीं की जा सकती। निश्चय ही वह मानवेतर सौंदर्य था। एकाएक फटाक से दरवाजा खुला। मैं तुरंत वहां से हट गया। युवती बाहर निकली और घाट की सीढ़ियां उतरने लगी जल्दी जल्दी। उसके बाद मैंने उस हल्के अंधेरे में जो कुछ देखा, क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? आप जो भी सोचें या समझें, मगर सत्य तो सत्य ही है। आत्मपरक सत्ता में निहित सत्य पहले अविश्वसनीय लगता ही है। उसको सिद्ध करने के लिए कोई भौतिक प्रमाण नहीं दिया जा सकता। मैंने देखा नीचे घाट पर पहले से ही कुछ युवतियां खड़ी थीं। वे शायद मोना की ही प्रतीक्षा कर रही थीं। मोना की कोठरी से निकलने वाली युवती जब उनसे मिली तो वे सब एक साथ खिलखिलाकर हंसने लगी। बड़ी मधुर, बड़ी कोमल और सरस हंसी थी वह। फिर सभी युवतियां एक साथ थोड़ी दूर तक आकाश में उठी, फिर एक साथ हवा में विलीन हो गई। मैं स्तब्ध अवाक देखता रहा। कौन थी वे युवतियां? कहां गईं वे सब? किसी प्रकार अपने अवश चित्त को संभालता हुआ घर पहुंचा। उस समय सबेरा होने ही वाला था। रामचंद्रा से मिलकर सारी बातें बता दी। रामचंद्रा बोले, डाकिनियां पिशाच लोक की सुंदरी होती है। मोना के शरीर में जो डाकिनी है वह उस समय अपने निज लोक के निज शरीर में थी। उसकी वे साथिने भी पिशाच लोक की सुंदरियां ही थीं। वे सब आकाश मार्ग द्वारा पृथ्वी पर विचरण किया करती हैं। उनका शरीर पार्थिव होते हुए भी साधारण दृष्टिपट से परे रहता है। सभी उन्हें नहीं देख सकते। बड़े आश्चर्य की बात थी। सब कुछ रहस्यमय था, अविश्वसनीय था। अंत में रामचंद्रा बोले, पृथ्वी उन सुंदरियों का आखेट स्थल है। प्रकृति में विकृति पैदा करके वे अपना मनोरंजन करती है। इसके अलावा स्वस्थ सुंदर युवकों के साथ अदृश्य रूप से सहवास कर अपनी वासना की पूर्ति करती है।
यदि पिशाच लोक की ये सुंदरियां सिद्ध हो जाए तो मनुष्य उनकी सहायता से असंभव कार्य कर सकता है। शायद इसी उद्देश्य को लेकर कालिकानंद अवधूत महाशय डाकिनी विद्या की साधना कर रहे थे। 2-3 दिन बाद अचानक मोना मुझे दिखाई पड़ गई। कठरी लपेटे हाथ में टीन का डब्बा लिए वह लाई चूड़ा की दुकान पर खड़ी खी खी हंस रही थी। उस समय मैं करीब जाकर खड़ा हो गया। उसने एक बार गहरी नजरों से मेरी ओर देखा, फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगी। मैंने धीरे से कहा, दारू पिएगी मोना? ये सुनते ही मोना का हंसना बंद हो गया। बोली, पिलाएगा? हां चल अभी पिलाऊंगा। मैं उसे अपने घर ले आया, उसके सामने शराब की बोतल रख दी। मोना शराब पीने लगी, एक बोतल, दो बोतल, फिर तीसरी बोतल भी उसने एक ही सांस में खाली कर दी। देशी शराब, मगर नशा नाम मात्र का नहीं। न आंखें लाल हुई और न जबान ही लटपटाई मोना की। वास्तविक स्थिति समझ गया मैं। मोना की पार्थिव काया में बैठी उसी डाकिनी ने सारी शराब पी थी। मैं यही चाहता भी था। मोना बोली, काफी दिनों बाद शराब पीने को मिली, और पिएगी? फिर दो बोतल शराब और पी डाली मोना ने। उसी दिन से मोना के पीछे पड़ गया मैं। काश पीछे न पड़ा होता तो मेरी इतनी दुर्दशा ना होती। मगर कैसे न पड़ता, डाकिनी सिद्ध का चक्कर जो था, अपने आप में अलौकिक शक्तियों को भरने की ऊंची उड़ान जो थी। मैं रोज मिलने लगा मोना से, उसको खुश करने के लिए कभी शराब, कभी भुना हुआ गोश्त और कभी मिठाई ले जाता साथ। एक दिन काफी प्रसन्न दिखाई पड़ी। वह बोली, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? आखिर क्या चाहता है, बोल। डाकिनी सिद्ध चाहता हूं मैं, हठात कह बैठा। डाकिनी सिद्ध? कैसी सिद्ध, समझी नहीं मैं। बनो मत मोना, मैं तुम्हारे असली रूप से परिचित हो चुका हूं, कोई रहस्य मुझसे छिपा नहीं है। तुम कौन हो यह भी मैं भली भांति जान गया हूं। मोना का चेहरा वीभत्स और विकृत हो उठा। तू डाकिनी है, पिछले 40 साल से तू मोना की देह में अधिकार जमाए बैठी है। मोना एक बारगी चीख उठी, उसकी आंखें लाल हो उठी। उस दिन से मोना से मिलना जुलना बंद कर दिया मैंने। डाकिनी विद्या से संबंधित पांडुलिपि तो थी ही मेरे पास, उसमें बताई गई विधि के अनुसार मैं साधना करने लगा। धीरे धीरे एक महीना बीत गया। अंत में जो सोचा था वही हुआ। मोना मंत्र शक्ति से बंधी जब सामने आकर खड़ी हुई तो उसका रूप साधारण नहीं था। लगभग चीख कर बोली, तू मुझे क्यों परेशान करता है, बोल क्या चाहता है? डाकिनी सिद्धि, मैं तुमको अपने अधिकार में करना चाहता हूं। नहीं कर सकते। क्यों? मैं मोना की देह में अभी 10 साल और रहेंगी, तब तक तुम किसी भी शक्ति से मुझे अधिकार में नहीं कर सकते। मोना की आंखें नागमणि की तरह चमक रही थीं उस समय। मैं तुमको मोना के शरीर में रहते हुए ही सिद्ध कर लूंगा, जो कालिकानंद अवधूत नहीं कर सके वह मैं करूंगा। हां यह बात जरूर है कि मुझे उनकी तरह मानवेतर शक्ति की लालसा नहीं है। मैं तुम्हारे माध्यम से तामसिक लोक, वहां के प्राणियों का रहस्य और उनकी मति गति जानने समझने भर की कामना करता हूं। हठ मत करो, यह संभव नहीं है तुम्हारे लिए। तुम मंत्र बल और तांत्रिक क्रिया शक्ति के जरिए अंतरिक्ष की किसी भी अमानवीय आत्मा को अपने साथ संयुक्त नहीं कर सकते। अगर कर भी लिया तो उसका बड़ा भयंकर परिणाम होगा। मुझे इसकी चिंता नहीं है मोना, मैं शायद प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को जानने समझने के लिए ही पैदा हुआ हूं। इसके लिए मैं बड़े से बड़ा खतरा उठाने को तैयार हूं। मेरी बात सुनकर क्रुद्ध नागिन की तरह फुफकारती हुई मोना वापस चली गई। साधना की अंतिम क्रिया के लिए श्मशान की जरूरत पड़ी मुझे। मेरी नजर में नारायणपुर का श्मशान उपयुक्त लगा। वहां न मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट के श्मशान की तरह कोलाहल था और न भीड़ भाड़। कभी कदा ही कोई चिता जलने के लिए आती है वहां। दिसंबर का महीना, अमावस्या की घनी काली रात, भयानक निस्तब्धता में डूबा हुआ नारायणपुर का श्मशान शायद 2-1 दिन पहले कोई चिता जली थी वहां। उसकी राख चारों तरफ बिखरी थी, एक और कुछ अधजली हड्डियां भी पड़ी थीं। उसी में एक मानव खोपड़ी भी थी। गंगा की धारा की ओर थोड़ा झुका हुआ पीपल का वह काफी पुराना पेड़ हौले हौले हिल रहा था, जिससे उसकी डालों में बंधे यमघंट की छड़ें कभी कदा आपस में टकरा जाती थीं, जिनकी आवाज से भय का संचार हो जाता था मन में। न जाने कहां और किधर से सियारों का झुंड निकल आया वहां। उनकी जलती हुई पीली आंखें मेरे चारों ओर घूमने लगी। सोचा, अब क्या होगा,
तभी गांव की ओर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। सियारों की टोली गायब हो गई। चलो, विघ्न टला। पीपल के नीचे ही आसन बिछाया, शराब की बोतलें और मुर्गे के गोश्त के साथ अन्य जरूरी सामान सामने रखे। पहले जो कुछ करना था वह किया, फिर आसन पर बैठकर झप करने लगा। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। झप शुरू करने के एक घंटे बाद ऐसा लगा कि कोई अदृश्य हाथ मेरी कलाई को पकड़कर झप करने से रोक रहा है, मगर मैंने बंद नहीं किया, बराबर झपता रहा मंत्र। एकाएक दूर से सियारों के संवेद स्वर में रोने की आवाज आई और उसके साथ मैंने देखा कि गंगा की ओर से बहुत सारे नर कंकाल गिरते पड़ते लड़खड़ाते श्मशान में आकर खड़े हो गए। दूसरे ही क्षण सारा वातावरण सड़ांध से भर गया। अजीब सा हो उठा वातावरण। उन नर कंकालों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। भय विजड़ित दृष्टि से मैं उन सबको देख रहा था। कुछ क्षण बाद सबने मिलकर एक साथ विकट अट्टहास किया, फिर एक गहरा सन्नाटा छा गया वहां। सन्नाटा नहीं, बल्कि मन में खिन्नता और क्षोभ उत्पन्न करने वाली बेचैनी। फिर क्या देखता हूं कि वे सारे नर कंकाल एक एक कर मनुष्य के रूप में बदल गए, मगर उनका रूप ठीक ठीक मनुष्यों जैसा था नहीं, काफी वैषम्य था। शरीर के अनुपात से सिर काफी बड़े थे उनके, नाकें भी काफी लंबी और मोटी थीं, कान भी हद से ज्यादा बड़े बड़े थे, उनकी आंखों में बिल्ली जैसी चमक थी। वे सब एक साथ मेरी ओर घूर रहे थे। उफ, उनकी दृष्टि को तमाम उम्र नहीं भूल पाऊंगा मैं। लगा जैसे प्रेतपुरी का दावानल सुलग रहा हो वहां। आतंक और भय से मेरी बुरी दशा हो रही थी, मगर मैं अपने आप को संभाले हुए था और हर प्रकार से सतर्क भी। मैं जानता था कि वह भयंकर पैशाचिक लीला थी। एकाएक पीपल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा, मानो वह किसी अदृश्य तूफान में फंस गया हो। लगा किसी भी क्षण उसकी डालें टूटकर मुझ पर गिर पड़ेगी। उसी के साथ उस उजाड़ वीरान श्मशान में एक विचित्र विमुग्धकारी सृष्टि हो गई। पहले चारों ओर हल्के गुलाबी रंग का प्रकाश फैला। बड़ा मोहक था वह प्रकाश। मैंने देखा उस प्रकाश के भीतर से ही एक के बाद एक युवतियां प्रकट हुई। निश्चय ही वे इस धरती की स्त्रियां नहीं थीं। उनका रूप आकर्षक, कमनीय और सुंदर अवश्य था, मगर साथ ही साथ उनमें अमानवीयता भी थी, जिसे मन में हल्का सा भय का संचार होता था। उनके बाल सुनहले और काफी घने थे, आंखें मोरनी जैसी थीं, चेहरे गोल और चिपटे थे, बाहें लंबी थीं, कमर काफी पतली थी। वे गले में किसी चमकदार पत्थर के दानों की मालाएं पहनी थीं। अब तक प्रकाश का रंग गुलाबी से सुनहरा हो चुका था। वे युवतियां सामूहिक रूप से उस सुनहरे प्रकाश में इस प्रकार चल फिर रही थीं, मानो पानी में तैर रही हों। बड़ा विचित्र लग रहा था उनका इस प्रकार तैरना। प्रकाश का रंग फिर बदला। अब वह बिल्कुल सफेद हो गया और उस रंग परिवर्तन के साथ ही वे तमाम युवतियां भी गायब हो गईं और उनके स्थान पर उस शुभ्र प्रकाश में एक ऐसी नव युवती प्रकट हुई जिसे देखकर मैं चौंक पड़ा। पहचानते देर नहीं लगी मुझे। वह मोना के शरीर में रहने वाली डाकिनी थी। उस दिन अंधेरे के कारण उसका रूप ठीक से नहीं देख सका था, मगर प्रकाश में पिशाच लोक की उस सुंदरी की छवि देखकर मैं स्तब्ध रह गया। उसका अंग प्रत्यंग जैसे तराशा हुआ था, उसकी गहरी झील जैसी आंखों में हीरे की कनी की चमक और अजीब सा सम्मोहन था। वह धीरे धीरे मेरे करीब आई और बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर अपलक देखने लगी। मैंने तुरंत झोले से शराब की बोतल निकाली और उसे मुर्दे की खोपड़ी में उड़ेलकर उसके सामने कर दिया। वह खिलखिलाकर हंसी और खोपड़ी उठाकर मदिरा पीने लगी। वह पीती जाती थी और मैं बार बार कपाल पात्र में शराब उड़ेलता जा रहा था। फिर एक विकट अट्टहास किया उसने। सारा श्मशान प्रांत गूंज उठा उसकी हंसी से। मेरे प्राण आतंक से हिम हो गए, जैसे उस अभूतपूर्व क्षण में कुछ घटित होने जा रहा था। क्या पिशाच लीला! लगा मैं कभी किसी क्षण मूर्छित हो जाऊंगा, पर उसी समय एक कोमल स्वर सुनाई पड़ा, जब बंद करो। वह युवती शराब से लाल हो उठी, आंखों से मेरी ओर देखती हुई कह रही थी, तुम्हारे झप से हलचल मच गई है, मुझे भी मोना का शरीर छोड़कर यहां आना पड़ा। मैं झप बंद कर दूंगा, मगर तुम भी वादा करो कि मोना की देह में वापस लौट कर नहीं जाओगी। फिर 10 साल कहां रहूंगी मैं? मुझे तो रहना है अभी। कालिकानंद अवधूत की मंत्र शक्ति के वशीभूत मेरा अस्तित्व अब भी 10 साल और बंधा रहेगा पार्थिव काया के बंधन में।
तुम ही बताओ क्या करूं मैं? यदि मैं अवधूत महाशय की मंत्र शक्ति को तोड़ दूं तो क्या तुम मेरे अधिकार में रहोगी? मैं तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब तब दूंगी जब तुम वचन दोगे कि शराब पियोगे और मेरी भोग कामना भी पूरी करोगे। भोग कामना की पूर्ति तो कर सकूंगा, पर शराब पीने के लिए मत कहो। शराब से मुझे बेहद घृणा है। वह हंस पड़ी, बड़ी रहस्यमय हंसी थी वह। बोली, तब तो तुम अपने अधिकार में न मुझे कर सकोगे और न मुझसे कोई सहायता ही ले सकोगे। क्या तुम्हारे लिए शराब पीना जरूरी है? हां, शराब में ऐसी शक्ति है जो साधक के उपचेतन मन के द्वार खोल देती है और हम जैसे प्राणी उसी द्वार से मानव शक्ति में प्रवेश करते हैं। न जाने किस प्रेरणा के वशीभूत होकर मैंने कह दिया, ठीक है, तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कोई भी कीमत चुका सकता हूं। चलो, मुझे शराब पीना स्वीकार है। काश ऐसा न कहा होता मैंने उस समय। पिशाच लोक की वह अनिंद्य सुंदरी मेरी बात सुनकर एक बारगी हंस पड़ी। निश्चय ही वह पैशाचिक हंसी थी। उसका अर्थ नहीं समझ सका मैं। लो पियो, मेरे हाथ से पियो। कहते कहते उस युवती ने अपने कोमल हाथ से मानव खोपड़ी को शराब से भरकर मेरे होठों से लगा दिया। मगर क्या वह शराब थी? उसमें शराब जैसी कड़वाहट या दुर्गंध थी? नहीं, मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी अलौकिक रस का पान कर रहा हूं जिसका स्वाद अवर्णनीय था। मगर दूसरे ही क्षण मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं मर रहा हूं। मन घबराने लगा, सारे शरीर में सनसनाहट होने लगी, दिल डूबने लगा। पता नहीं कब तक मेरी यह स्थिति रही। फिर अचानक मैंने हल्कापन महसूस किया और उसके बाद ही अपने आप को सर्वथा नवीन वातावरण में पाया। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वह वातावरण इस धरती का नहीं था, वह अलौकिक था। सिर्फ भावना का प्रवाह था वहां। मेरी आत्मा अपने आप विस्तृत और व्यापक हो उठी थी। मैं समझ गया कि मेरे अस्तित्व का संबंध किसी ऐसे पारलौकिक जगत से जुड़ गया है जहां से मनुष्यों की अंतरचेतना और अंतर्मन का संचालन होता है। इसके अलावा ज्ञान विज्ञान का विशेष केंद्र भी है यह जगत। मगर अधिक समय तक मैं उस जगत और स्थिति में नहीं रह सका। जब मेरी बहिर्प्रज्ञा जागृत हुई तो सवेरा होने वाला था। उस उजाड़ मरघट के वातावरण में चारों ओर साय साय हो रहा था। उसी दिन मालूम हुआ कि मोना पिछली रात अपनी कोठरी में मरी पाई गई। अब मुझे विश्वास हो गया कि डाकिनी हमेशा के लिए मोना की काया छोड़कर मेरे अधिकार में हो गई है। इस घटना के 3-4 दिन बाद पिशाच लोक की वह रूपसी डाकिनी स्वयं मेरे पास आई। उसके आते ही वातावरण शराब की दुर्गंध से भर गया। फिर रोज सांझ के समय उस सुंदरी के आने का नियम ही बन गया। उसकी अगोचर उपस्थिति आनंददायक भी लगती और भयप्रद भी। मुझे उसके लिए रोज मदिरा का इंतजाम करना पड़ता। मेरे माध्यम से वह सारी शराब पी जाती। धीरे धीरे मेरी आत्मा सुषुप्तावस्था में चली जाती है और मैं पूर्णतः चेतनाहीन हो जाता। फिर उसी चेतना शून्य स्थिति में मैं उस पिशाचिनी के साथ न जाने किस किस लोक लोकांतरों में भ्रमण करता। जब मेरी आत्मा जागृत अवस्था में लौटती तो वहां की सिर्फ धुंधली धुंधली स्मृति भर मेरे मस्तिष्क में रहती। मैंने अनुभव किया कि जिन स्थानों में जाता था वहां कहीं तो काल यानी समय की गति पृथ्वी की अपेक्षा अत्यधिक मंद है और कहीं अत्यधिक तीव्र। एक बार मैं ऐसे जगत में चला गया जिसे उच्च कोटि के भक्तों का लोक कहा जा सकता है। वहां मुझे विभिन्न संप्रदायों के भक्त दिखाई पड़े। उनके चारों तरफ प्रकाश का वलय था। हर भक्त अपने इष्ट देवता या देवी के साथ भाव के अथाह सागर में डूबा हुआ था। उन सबके शरीर पारदर्शक और चमकीले थे। पिशाचिनी ने बताया कि इस स्थान पर इच्छा और विचार का कोई महत्व नहीं है, केवल भाव और भावना का मूल्य है। कहने लगी, ये तमाम लोग अपने अपने इष्ट देव के साथ अद्वैत भाव में है। संसार में रहकर इन सभी लोगों ने भक्ति में उच्च अवस्था प्राप्त की थी। संसार में जो व्यक्ति इनके इष्ट की साधना उपासना या भक्ति करता है उसकी याचना के अनुसार और उसकी भावना एवं भक्ति की गहराई देखकर ये उसकी कामना पूरी करते हैं। ये लोग संसार में व्यक्ति के मनपसंद रूप में प्रकट होकर दर्शन भी देते हैं। तब भी भक्त यही सोचता है कि भगवान ने उसको दर्शन दिया है। संसार में जो भी चमत्कार होते हैं वे सब इन्हीं लोगों के जरिए होते हैं। ये आत्माएं ही श्रद्धालु भक्तों की इच्छा पूरी करती है और समय पर दर्शन भी देती है।
इसी प्रकार तामसिक भक्तों की आत्माओं का अपना अलग जगत है, इन्हीं को अपदेवता कहते हैं। संसार में रहकर जिन्होंने तामसिक क्रियाओं और उपकरणों के जरिए तामसिक देवता की साधना उपासना आदि की है, वे अपने जगत में अपने तामसिक इष्ट देवता के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। ये अपदेवता भैंसे, बकरे, मुर्गे आदि की बलि और शराब चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी मनुष्य की कामना भी पूरी कर देते हैं। कुछ तो अपनी प्रशंसा पाने के लिए और कुछ योग्य वस्तुओं को पाने के लोभ में मनुष्य की सहायता करते हैं। कुछ अपदेवता तो ऐसे हैं कि अपना पारिश्रमिक पहले ही तय कर लेते हैं। यदि कामना पूरी हो जाने पर उनके पारिश्रमिक स्वरूप मांस, मदिरा आदि भोग वस्तुएं नहीं दी गई तो वे बड़े बड़े नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपदेवताओं की पूजा अधिकतर निम्न वर्ग के ही लोग करते हैं, उनसे वे संतुष्ट और प्रसन्न भी रहते हैं। एक बार मेरे पूछने पर डाकिनी ने बताया कि उसकी गति आकाश गंगा की सीमा तक है। आकाश गंगा का जो तारा पृथ्वी के सबसे नजदीक है, उसका भी प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1,26,000 मील प्रति सेकंड की गति से 4-5 साल लग जाते हैं। मैंने पूछा, तुम सब किस गति से आकाश संचरण करती हो? डाकिनी ने बताया, मन की गति से। मगर मेरे और तुम्हारे मन में काफी अंतर है। मनुष्य का मन शक्ति के सीमित दायरे में घूमता है, जबकि मानवेतर मन में असीम शक्ति होती है और उसका दायरा भी व्यापक होता है। तब तुम मुझे अपने साथ कैसे ले जाती हो? अपने मन से तुम्हारे मन को बांध देती हूं। उस समय तुम्हारी आत्मा तो हृदय के अंतभाव में रहती है, मगर तुम्हारा मन मेरे साथ रहता है। सोचना, समझना और अनुभव करना मन का काम है। उसे स्मृति या संस्कार के रूप में संजोकर रखना आत्मा का काम है। तुम्हारा मन मेरे साथ लोक लोकांतरों में जो कुछ अनुभव कर आता है, उसे तुम्हारी आत्मा स्मृति के रूप में स्वीकार कर लेती है। एक बार मैं उस पिशाचिनी के साथ ऐसे लोक में चला गया जहां केवल सूक्ष्मतम भावनाओं का तरल प्रवाह और मात्र भावना का ही स्पंदन था। वहां पहुंचकर कमरे में लेटे हुए चेतना शून्य अपने पार्थिव शरीर को मैं एक दर्शक की तरह बिल्कुल साफ देख रहा था। वह बड़ी विलक्षण अनुभूति थी। चारों तरफ हल्के गुलाबी रंग का प्रकाश बिखरा हुआ था। वातावरण में आत्मा की गहराई को छू लेने वाली शांति बिखरी हुई थी। शायद भारतीय योगियों ने इसी लोक को वैश्वानर जगत कहा है, जो आत्मा की चौकी यानी तुरीयावस्था है। वैश्वानर जगत दो भागों में है, पहला भाग ज्ञान का और दूसरा भाग विज्ञान का। दोनों भागों की आत्माएं समय समय पर ज्ञान विज्ञान के नए नए सिद्धांतों को संसार में प्रकट करने के लिए मानव शरीर धारण करती है। जब वैज्ञानिकों को पार्थिव की मूल इकाई इलेक्ट्रॉन की गतिविधियों में कोई कार्य कारण संबंध स्थापित करने में सफलता नहीं मिली तो उन्हें विवश होकर मानना पड़ा कि भौतिक सत्ता के आगे शायद एक अभीतिक सत्ता है, वह है वैश्वानर जगत। आज वैज्ञानिकों को उस वैश्वानर जगत का आभास मिल चुका है। वहां की सूक्ष्मतम भावनाओं के तरह प्रवाह का भी वे हल्का सा अनुभव कर चुके हैं और अब वे गणितीय रीति से क्वांटम मैकेनिक्स द्वारा उस जगत में प्रवेश करने का सफल प्रयास कर रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स इस शताब्दी की विलक्षण वैज्ञानिक उपलब्धि है। इसके द्वारा भौतिक विज्ञान ने स्थूल जागृत महतो महीयान विश्व को छोड़कर अणुरणीयान वाले उस सूक्ष्माति सूक्ष्म वैश्वानर लोक में प्रवेश किया है, जहां अब तक केवल उच्च कोटि के योगियों का ही प्रवेश था। वैज्ञानिकों ने एक मत से स्वीकार किया है कि वहां उन उच्चतम वैज्ञानिक सत्यों का साक्षात्कार हो सकता है जो भौतिक और चेतना के स्तर पर संभव नहीं है। उस डाकिनी से प्राप्त विशेष तांत्रिक और यौगिक क्रिया के जरिए और डाकिनी की सहायता से अभौतिक चेतना के स्तर पर मैंने कहां कहां और किन किन लोक लोकांतरों में भ्रमण किया, इसका लेखा जोखा मेरे पास नहीं है। स्मृति में भी अब कुछ सुरक्षित नहीं है। मगर इस सिलसिले में एक दीर्घ अंतराल के बाद मैं आज जहां पहुंचा हूं और जिस स्थिति में हूं, वहां सत्य की भूखी प्यासी मेरी आत्मा एक बारगी हतप्रभ हो गई है। न मैं सहज हूं और न मेरा जीवन ही सहज रह गया। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि पिशाच लोक की उस सुंदरी ने मेरे मानस के सामने जीवन और जगत का जो नग्न सत्य खोल कर रखा, वह मेरे लिए भगवान के विराट रूप के समान है, जिसे देखकर मैं अर्जुन की तरह और अधिक व्याकुल हो उठा हूं।
सत्य की अनुभूति भौतिक स्तर पर मन और आत्मा को अशांत और आकुल कर देती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि एक लंबे अरसे से मैं ऐसी ही अशांति और व्याकुलता के क्षणों में जी रहा हूं। सत्य यह है कि उस पिशाचिनी के जरिए प्रकृति के तमाम गूढ़ रहस्यों की जानकारी मुझे मिली है, मगर उसका कितना भयंकर और दारुण मूल्य मुझे अभी तक चुकाना पड़ रहा है यह सिर्फ मैं ही जानता हूं। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ में यह भी बताएं कि आप हमारी कहानियां कहां से सुनते हैं। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। अगर आपको और भी ऐसी ही कहानियां सुनना है तो आप हमारे चैनल पर जाके सुन सकते हैं। साथ में आपको हमारी कुछ कहानियां इस वीडियो की स्क्रीन पर दिख रही होंगी, वहां से भी आप सुन सकते हैं हमारी रहस्यमय कहानियां। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में, जब तक आप अपना ख्याल रखें।